अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा दी। और मैं हूं आजिल हसनात। आजिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ताहिरा, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान शुरू में तो आपको पता था कि मौसम लाहौर का अच्छा था, कुछ खुशगवार था, लेकिन अब बतदरीज जो है गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो जब अंदर आप इंडोर हो, घर के अंदर भी मौजूद हो ना, जैसे घर के आप घर जाएं तो घर वाले कहते हैं कि नहीं मौसम तो बहुत अच्छा है। जैसे मेरी वालदा भी कल कह रही थी कि मैंने तो स्वेटर पहना हुआ है तो मुझे तो गर्मी वाली फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से हम लोग बाहर काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, रस्ते में जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर वो जो एक गर्म हवा का झोंका आपको पड़ता है ना, तो आपको एहसास होता है कि जी गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ चुकी है। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल है। तो आजिल क्या शेयर करने जा रहे हैं आज? स्पेशली आजिल कुछ सोच रहे थे कि आज ये वाली बात डिस्कस करनी है हमने मॉर्निंग शो में। ताहिरा, वही रमज़ान है, चूंकि कोशिश मेरी यही होती है कि रमज़ान में जो है ना अच्छी अच्छी बातें नाज़रीन से शेयर की जाए। तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि रमज़ान का बेसिक मकसद ही है कि जी आप एक तो अपनी रूह को प्योरीफाई करें, फिर अपने माल का सदका दें। आज भी ताहिरा मुझे एक अच्छी सी लाइन मेरे नज़र से गुजरी कि सदका है जी वो हज़ार बलाओं को टालता है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका दीजिए, माह रमज़ान का महीना है, इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सदका देंगे अल्लाह ताला डबल करके आपको जो है दुगना वापस करेंगे, और वो सिर्फ उसका फ़ायदा इस जहां में नहीं ताहिरा, इस जहां में भी है और फिर आखरत में भी है। बिल्कुल। और इसमें ये कि मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ और कहती भी हूँ, कोशिश भी करती हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि अमल भी कर लूँ, कि आप अपनी सैलरी आती है, जैसे हम लोग सैलरी पेशा लोग हैं, ज़ाहिर जॉब करते हैं, हमारी मंथ के स्टार्ट में सैलरी आ जाती है, तो एक स्पेसिफिक पोर्शन आप उसका मुख्तस कर लें कि ये कुछ परसेंटेज मेरी है जो कि मेरी सैलरी का हिस्सा ही नहीं है। आज हम सोच लेना कि अगर ये इतना चाहे वो 500 हो, 1000 हो, वो अमाउंट नहीं होती, वो आप जितना कर सकते हैं मैक्सिमम। आप सोच रहे हैं कि ये मेरी सैलरी का पार्ट नहीं है, महीने के जब सैलरी आएगी स्टार्ट में तो वो मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर देना। आप यकीन माने, ट्राई करके देखें, अल्लाह आपको कई गुना उसको लौटाएगा, आपको वापस आएगा, और इस तरह से वापस आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ताहिरा, आप इस तरह करती हैं प्रैक्टिकली? अजल, ये तो वैसे अल्लाह का और इंसान का मामला होता है, मेरे ख्याल से इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये जो हम करते हैं ना अक्सर, लोग मिलते नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, तो मुस्तिक, बिल्कुल मुस्तिक लोगों को ढूंढना आजकल बड़ा जो है मसला है, मुश्किल बड़ा काम है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप तहकीकात करें, अपने गिर्दोनवा में देखें, जो हाथ नहीं फैला रहा ना वही असल हकदार है, असल मुस्तहिक वही है। और ये जो हम अक्सर करते हैं कि किसी को चीज देते हुए फोटो बना लेते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं ना, ये बहुत गलत है, ये नहीं किया करें आप। एक तो उसकी वैसे भी जो जिसको आप दे रहे हैं उसके अंदर क्या गुजर रही होगी, बड़ी मुश्किल से आपने उसको ढूंढा, उसके बाद फिर उसकी तशहीर कर दी, इससे गुरेज किया करें, ये चीज अवॉइड किया करें कि दिखावा नहीं करें। आपका आपके अल्लाह का मामला है, आप जितना अल्लाह की राह में खर्च करें अल्लाह देगा, लेकिन दिखावा करेंगे इसका मतलब आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे। तो इसलिए अपनी नीयतें होती है ना, नीयतों को ही रब जानता है, तो वो अच्छी रखा करें और कोशिश क्या करें कि अल्लाह की मखलूक को खुश रखें, ताकि अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आपके लिए अल्लाह आसानियां पैदा करें। अब चलेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबारात से। तो पहली खबर है जी, हमारी ख्वातीन का तहफ्फुज पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह, ये अक्सर लाइन में इसका हम इस्तेमाल करते रहते हैं। और अब तो सीएम साहिबा भी आ गई हैं, वो कह रही हैं वो क्या हमारा जो आईजी साहब जिसको लीड कर रहे थे, नेवर अगेन। बिल्कुल नेवर अगेन, कि खातून पे किसी किस्म की हरासमेंट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से जो ख्वातीन के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की विमेन सेफ्टी ऐप है, इसकी स्टोरीज कुछ हम अगर थोड़ी सी शेयर कर दें नाज़रीन से। मकसद बताने आपको ये है कि डेली बेसिस पे हमें बहुत से ऐसे केसेस मौसूल होते हैं, आगे जाके आजिल आपको स्टैट्स भी बताएंगे कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कितनी ख़वातीन ने हमसे हेल्प ली और उनको सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से, यानी वुमेन सेफ्टी ऐप की जानिब से मदद फराहम की गई। तो इस अभी पिछले दिनों में आजिल एक खातून उबर यूज़ कर रही थी, अक्सर हम लोग ज़ाहिर है ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं इस तरह की राइड्स को, ये कंपनियां इस्तेमाल करती हैं इनको, तो इसी तरह से उबर क्रीम यानी कोई थी वो गाड़ी जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी, और ड्राइवर ने उनको तंग किया, हरास किया और उन्हें कांटेक्ट किया और उनको फौरी तौर पर मदद फराहम की गई। मेरे ख्याल से ये वही स्टोरी है जिसकी कोई पंजाब की हाई ऑफिशियल्स ने भी इसको काफी जो है अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट भी किया इसको। और इसी के साथ साथ एक खातून ऐसी थी जो जिसको रिश्ते का इशू था और उसको ज़बरदस्ती उसकी शादी कराई जा रही थी, उसने भी कांटेक्ट किया और उसको फौरी तौर पर उसको ना सिर्फ उस वक्त बल्कि उसके बाद उसका फीडबैक भी सिलसिला चलता रहा, गाहे बगाहे उसको फीडबैक के लिए कॉल करते रहे, और जब तक उस खातून को रेस्क्यू नहीं कर लिया गया, उसको महफूज हाथों में शिफ्ट नहीं कर दिया गया, सेफ सिटीज अथॉरिटी के जो वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो एक्टिव रहे और उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। ये स्टोरीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि रियलिटी में लोगों की मदद होती है, और आपने भी इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना है और अपने आसपास भी खवातीन को बताना है इस एप्लीकेशन के बारे में, ताकि किसी न किसी की मदद जरूर हो सके। आज लग रही है खबर आप।
शेयर करेंगे? बिल्कुल ताहिरा, अभी देखें कि किसी भी कोई भी शोभा होना ताहिरा, पुलिस का डिपार्टमेंट है, कोई स्कूल का, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी शोभा है, उसमें एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है जी। आपको पता है कि आईजी पंजाब जो है वो पंजाब पुलिस में एप्रिसिएशन को बहुत वो तरजीह देते हैं। अभी भी ताहिरा कल बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अहलकारों और ऑफिसर्स में जो आईजी पंजाब ने तारीफी लेटर्स और असनाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए, खास करके ताहिरा ये जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल लाहौर पुलिस, खास करके सिटी डिवीजन और कैंट डिवीजन के जो हाई ऑफिसर्स थे, जो एसएचओस थे और जो नीचे वाले जो हमारे ऑफिसर्स थे, तमाम के तमाम जो लोग थे उनके आईजी पंजाब ने जो है तारीफी लेटर्स और असनाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनको अप्रिशिएट किया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, एप्रिसिएशन के बगैर कभी भी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप इंडोर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे हाई ऑप्स ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरे काम को सराहा है, अब मैं इससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा ताकि मुझे और अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर भी हमारी इसी हवाले से है कुछ के पंजाब पुलिस वेलफेयर के लिए जो काम करी है, आईजी पंजाब वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत ही अप्रिशिएटेबल हैं और लोगों की ज़ाहिर मदद हो रही है। और इसमें जो तिब्बी सहूलियात है ना आज, इस हवाले से काम किया गया है, इसका मिशन है जी पंजाब कॉन्स्टेबलरी के जो जवान हैं जो उनको जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से पंजाब पुलिस और निजी हस्पताल के माबेन MOU पे साइन भी किया गया। शोधा की जो फैमिलीज हैं आजिद, उनको भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, शोधा की फैमिलीज का 100% मुकम्मल फ्री इलाज किया जाएगा। सही। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे नौजवान हैं उनके जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इनका इलाज किया जाएगा। और कोई भी ज़ाहिर है अक्सर ऐसा हो जाता है कि मामूली सैलरी या थोड़ी सैलरी में बड़े बड़े, अगर खुदा न खासा कोई बड़ा आपके साथ वाकया हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी खुदा न खासा हो जाती है, तो उसका इलाज नहीं करा पाते, तो ये पंजाब पुलिस इंशाल्लाह आपके इलाज भी करवाएगी और आपके लिए मजीद आसानियाँ पैदा करेगी। तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कहते हैं हम खुद भी इस चीज़ को बहुत सलूट पेश करते हैं। आईजी पंजाब खासकर मुबारकबाद के मुस्तहिक है जी। बिल्कुल, और इस तरह के काम होते रहे ताकि हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी न्यूज़ देते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें और मुल्क पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता रहे, हम तो यही चाहते हैं। अजी लगली, क्या न्यूज़ है आपके पास? बिल्कुल ताहिरा, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जी बिल्कुल पिछले 24 घंटों में आपके लिए क्या किया, शहर लाहौर के लिए क्या किया, तो वो हम डिस्कस करते हैं अपने हर पंजाब भर के लिए आज क्या किया? बिल्कुल पंजाब, सॉरी ताहिरा ने करेक्ट कर दिया, पंजाब भर के लिए क्या किया। तो पिछले 24 घंटों में हमारी जो एमरजेंसी 15 हेल्पलाइन है जी, 73,328 टोटल कॉल्स मौसूल हुई। और फिर वही बात जो हम रोज करते हैं कि ज्यादा तादाद उन कॉल्स की है जो गैर जरूरी, गैर मुतलिका कॉल्स हैं। बच्चे कॉल्स करते हैं ताहिरा अक्सर, मतलब कि माएँ जो हैं वो अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे देती है और कहती है 15 डायल करके उनके साथ मसरूफ हो जाएं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले। बिल्कुल पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो अपने बच्चों को जो अवेयर करें आपकी रिस्पांसिबिलिटी है जी। पिछले 24 घंटों में हमारे पास, चूंकि आपको पता है कि लाहौर भर में कैमरास इंस्टॉल हैं, पूरे लाहौर को पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के विचुअल पेट्रोलिंग अफसरान जो है 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज हमारी आंख से ओझल नहीं हो सकती है। तो पिछले 24 घंटों में 585 टोटल जो है मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी गई है। इसके अलावा जो है हमारा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से हमने कल से पिछले प्रोग्राम में इसको बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट भी किया था। हमने लास्ट वीक प्रॉपर इस पे शो किया, सेगमेंट किया था, बिल्कुल आपको डिटेल बताई कि किस तरह से लॉस एंड फाउंड डिपार्टमेंट काम करता है। बिल्कुल, 24 घंटों में हमने एक जो गाड़ी है वो हमने ढूंढ के उसके मालिक के हवाले किया और उस मालिक की जो हवाले की थी उसके जो तासुरात थे ना वो हमें बताया। हमने स्टैट भी हम जिक्र करेंगे, तकरीबन 9,000 के करीब ऐसी गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, जानवर सेफ सिटी अथॉरिटी का जो लॉस एंड फाउंड डिपार्टमेंट है वो उनके वर्षा के, उनके मालिकान के हवाले कर चुका है। और हम बच्चे कितने, 5,000 से ज्यादा जो बच्चों को और जो बूढ़े अफराद हैं उनको हम उनके जो है लोहकीन के वर्षा के स्पोर्ट कर चुके हैं जी। बिल्कुल, अच्छा जी, पिछले 24 घंटों में अभी ताहिरा ने जिस तरह बात की स्टार्ट में कि वुमेन सेफ्टी ऐप जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब पुलिस का, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का, और ये मैं यहाँ पे पहले जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने गिरदोनवा में अपनी बहनों को, अपनी जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में फैलाएं कि वुमेन सेफ्टी ऐप को अपने मोबाइल फोन में लाजमी इंस्टॉल करें। इसका बेहतरीन जो फीचर है वो यही है कि अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं पे गए हैं, आपको उस जगह का नहीं पता है, तो आप सिर्फ हमें मैसेज करेंगे तो आपकी लोकेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी, हमें आपके पास पुलिस फोर्स को भेजने में आसानी हो जाएगी। तो जरूर इंस्टॉल कीजिए पिछले 24 घंटों में। इंस्टॉल की तो फिर किस चीज का इंतजार है, इसको फौरन इंस्टॉल करें। तो ताहिरा पिछले 24 घंटों में 17 जो खवातीन है उन्होंने वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू हमसे अपनी क्यूरी डिस्कस की, हमने उनको फिर उनकी हेल्प आउट की है जी। पिछले 24 घंटों में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेंटर है जिस तरह हमारा जो पूरे लाहौर में कैमराज हैं, तो हमने जो हमारा डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेंटर जो है वो
वीडियो शवाहिद पिक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो पिछले 24 घंटों में 33 जो है शवाहिद जो है वो लोगों को दिखाए गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स को दिखाए गए हैं। पुलिस ऑफिसर्स की केसेस को हल करने में इसमें मदद होती है, हेल्प होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है। अच्छा, इस पे हमने स्पेशली बात करनी है, आप हमारा प्रोग्राम पूरा देख रहे हैं, आपको बताएंगे किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेंटर काम करता है, किस तरह से वीडियो शवाहिद, अक्सर आप पूछते हैं कि किस तरह से हम ये शवाहिद हासिल कर सकते हैं, ये एविडेंस कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल आज आपको बताई जाएगी। अक्सर लोगों ने हमें क्यूरी की थी तो हमने सोचा कि आज इसको प्रोग्राम में डिस्कस करें, तो आपने हमारा शो पूरा देखना है, इसके बाद हम इस पर डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। हम अगली खबर ताहिरा क्या आपके पास है? अगली खबर है जी मेरी, मेरे पास आजल, आपको पता है कि PSL के हवाले से पूरा बड़ा एक मंथ का बड़ा एक्साइटेड महीना रहा, पूरा मिड ऑफ फेब से लेके अब मार्च तक, तो आज PSL का फाइनल होने जा अच्छा, रहा मतलब है फाइनल शो। हाँ। आ गया, आप मुझे ये बताएं आपकी टीम फाइनल तक रसाई हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है ताहिरा हमेशा वो टीम चेंज कर लेती है जो जीत रही होती है। मेरा ख्याल है कि लाहौर के बाद जिस टीम को मैंने सिलेक्ट किया था वो अब फाइनल में पहुंच चुकी है, तो ये गिला जो अब नहीं बनता मेरे से करना। अब ताहिरा की मिठाई बनती है, ताहिरा से मिठाई बनती है। आपने दुआ करनी है कि आज मुल्तान सुल्तान जीत जाए, और कमेंट करके बताना है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी, और फिर देखेंगे रात को जी कौन सी टीम जीतती है। आज मैच होने जा रहा है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के माबैन कराची स्टेडियम में, ये मैच होगा नेशनल स्टेडियम में, और मुझे पता है कि आप सब बहुत एक्साइटेड हैं आज कि कौन मैच जीतेगा। कोई बात नहीं जी, कोई भी जीते ट्रॉफी तो हमारे पास ही आनी है, तो अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखें और रोजे को भी एंजॉय करें, रोजे के बाद मैच देखेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे, होपफुली के अच्छे रिजल्ट्स आए, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए, जो मैं चाहती हूँ वैसे रिजल्ट आए, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी आएंगे तो मैं अपना दिल नहीं हारूंगी और मैं एक्साइटेड हूँ जी मैच देखने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हमारी टीम है, बिल्कुल हमारी टीम, दोनों हमारी टीम है, लेकिन मैं तो अपनी फेवरेट टीम बताई ना, फेवरेट तो एक ही होती है, तो और बात है कि मैच जीतने के बाद हम अक्सर फेवरेट चेंज कर लेते हैं, लेकिन जी चले जी आजिल बताएं अगली क्या न्यूज़ है आपके पास। अच्छा ताहिर, आपको पता है कि हम पहली दफ़ा शायद मेरे ख्याल से इस तरह से हुआ कि इंसानों को तो हम पंजाब पुलिस जो है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं, अब जानवरों के लिए जी पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर गुलबर्ग में जो हाल ही में थोड़ी देर पहले जो क्याम उसका हुआ था जी, बिल्कुल आप जानवरों से मुतल्लिक कहीं कोई जानवर जख्मी है या किसी भी किस्म का कोई इशू किसी जानवर को आ रहा तो आप जो है रब्ता कर सकते हैं। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर इसी मकसद के लिए बनाया गया, उनको रेस्क्यू करने के लिए बनाया गया। ताहिरा कल आपको पता है कि दो हमारे साबिक क्रिकेटर थे, साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और मुश्ताक अहमद ने जो है वो पुलिस एनिमल सेंटर गुलबर्ग का जो दौरा किया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया आईजी पंजाब की सेफर्ट को, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने देखा कि इस तरह से जानवरों को जो है वहां पर रेस्क्यू किया जाता है, किस तरह से ये काम कर रहा है, तो बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने चीज को। अच्छी चीजें हैं कि ऐसे हमारे जो लेजेंड्स हैं वो आए और चीज को देखें, अप्रिशिएट करें, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जो भी काम है उनको सराहा जा रहा है, तो इस तरह के काम बहुत सारे हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मजीद भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव पंजाब पुलिस की जानिब से होते रहेंगे। आखिर में खबर हम शेयर करेंगे, जैसे हम रोजाना बात करते हैं गजा के हवाले से, इसराइली बर्बरियत के हवाले से, और मजीद आजल 93 फलस्तीनी गुज़िश्ता 24 घंटे में शहीद हुए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन एक उम्मीद की जो किरण है ना हल्की सी वो नजर आई है कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज एक्सपेक्टेड हैं। आज चलें, अच्छी खबर मतलब कुछ बेहतर खबर, कुछ पॉजिटिव खबर गजा के हवाले से आज ताहिरा मेरे ख्याल से बताएंगी। ताहिरा किस कहां होने जा रहे हैं मुज़ाकरात? गजा में जंगबंदी के लिए हमास की नई तजावीज पर आज दोहा में मुज़ाकरात एक्सपेक्टेड हैं, और इसमें इसराइल की खुफिया एजेंसी की भी सुनने में आ रहा है कि कोई सरबराह शिरकत करेंगे, और इसी के साथ साथ और भी कुछ ममालिक हैं जिनमें मिस्र है, कतर है, ये लोग शिरकत करेंगे, और कोशिश एक है कि कुछ जंगबंदी का हो सके और ये जंग ख़त्म हो सके, और हमारी भी दुआ है कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात फ्रूटफुल रहें और अच्छे इसके रिजल्ट सामने आएँ। ये था जी हमारा आज का पहला सेगमेंट, हमने कोशिश की कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करें, गजा के हवाले से भी हम रोज़ाना अपने प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आप भी इस हवाले से कॉन्ट्रीब्यूट करें, कुछ निजी कंपनियाँ हैं जो उन तक इमदाद भी पहुँचाती हैं, उनको मदद करें ताकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आप उस जिसे कहते हैं जरिया बने, आप भी जरिया बने, बिल्कुल खतरा बन सकें, उस दरिया में अपना रोल प्ले कर सकें। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आपने रहने जी। और आजिल अब बात करेंगे, जैसे प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात करी थी कि हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेल के बारे में, यानी आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी वीडियो एविडेंस जो हमसे ले सकते हैं। अक्सर लोग हमसे सवाल करते थे कि हमें सेफ सिटीज अथॉरिटी का वीडियो एविडेंस चाहिए, हमारे साथ खुदा ना खास्ता किसी जगह पर कोई हादसा हो गया है, हमें जी वो वीडियो एविडेंस चाहिए, तो वो हम कैसे लें? आपकी तमाम क्यूरीज
आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लाजमी देखिएगा हमारा ये प्रोग्राम। आपने शो पूरा देखना है, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये सेल काम करता है, किस तरह से आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या कोई फीस है या नहीं है, इस तरह के तमाम सवाल के जवाब आज हम अपने सेगमेंट में आपको देंगे। इस सब बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जी मोहम्मद तकी सैयद, हमारे लॉ ऑफिसर है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में। सर से तफसीली तमाम सवाल के जवाब लेते हैं, सबको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, नाजरीन को बताइएगा कि जो सेफ सिटीज का इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेल है, ये बेसिकली है क्या है? ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जो कि जो हमारे सेफ सिटी के जो कैमरा जात हैं उनमें जो वीडियो जो रिकॉर्ड होती है उनका जो प्लेबैक जो डेटा होता है वो हमारे पास महफूज होता है। ठीक है, कोई भी अक्रेंस हुआ है, कोई डकैती हुई है, कोई वारदात हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका जो एक प्लेबैक होता है जो कि हमारे पास मौजूद होता है, उस पर जो हमारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स मौजूद होते हैं वो जो है ना किसी कंप्लेनेंट को या किसी मुदई को या जो है ना उसमें जो मुतासरा शख्स होता है एक्सीडेंट की सूरत में, वो उसको जो है ना उसका प्लेबैक कहते हैं कि ये अक्रेंस हुआ कैसे। सर 24/7 काम करता है? जी 24/7 ये काम करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि कैमराज का प्लेबैक है, तो इसकी भी तो कोई मुद्दत होती होगी कि एविडेंस अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ 2 महीने पहले हो गया और मैं कुछ डिले करती रही या कुछ बिजी थी, मसरूफ थी, तो 2 माह बाद मैं आऊं और आपसे बोलूं कि मुझे 2 माह पहले का एविडेंस दिखा दें, तो क्या टाइम ड्यूरेशन है कैमरास, कितने अरसे तक वो प्लेबैक महफूज रहता है? जी, जो लोकल कैमरा होते हैं ना उनका प्लेबैक मैक्सिमम 72 घंटे का होता है, 3 घंटे का या ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे का होता है। जो अच्छा। हमारे सेफ सिटी के जो कैमराज हैं इनका जो प्लेबैक है ना ये 30 दिन तक महफूज होता है। मतलब एक माह तक जो भी इसमें जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो कंप्लेनेंट को विद इन 30 डेज जो है ना वो ई टैग में जो है ना आना चाहिए, जो इसके बाद जो है ना वो डेटा जो है ना हमारे पास ऑटोमेटिकली 30 डेज के बाद जो है ना वो रिमूव हो जाता है। अगर एक बार ये डेटा हमारे पास सेव हो जाता है विद इन 30 डेज तो ये हमारे पास 7 साल तक जो है ना कैपेसिटी है इसको महफूज कर। सही, 7 साल तक। 7 साल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से कम्प्लीट मुझे वर्किंग बताएं कि अगर मुझे कम्प्लेन लेके अपनी आनी है तो किस तरह से आपका ये डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है और मैं कैसे अपनी कम्प्लेन को लेकर आप तक पहुँचूँ और आप मुझे वो एविडेंस दिखाएं। जो हमारे ई टैग रेगुलेशन हैं 2016 उसमें एक कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया, उसमें यह है कि आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR आफ्टर द कंप्लेंट जो है ना आईओ जो है ना वो ई टैग डिपार्टमेंट जो है ना विजिट करता है, वो साथ में मुतासर शख्स को या कंप्लेनेंट को भी साथ लेके आता है कि वो उसको दिखाता है कि ये अक्रेंस हुआ कैसे है। इसमें जो हमारे जो एक्सपर्ट पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स होते हैं वो ना वकुए को हर लिहाज से जांचते हैं, देखते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, प्लेबैक में भी इसको देखते हैं कि ये वकुआ हुआ कैसे है। अच्छा, कंप्लेनेंट आप जाहिर है इसलिए साथ आता है क्योंकि बेहतर तरीके से बता सकता है कि मेरा वकुआ किस जगह पे हुआ था, लोकेशन अपनी एग्जैक्टली बता सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसके साथ अक्रेंस या वकुआ होता है ना वो ही सही बता सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कार कहाँ से आ रही थी, अगर कोई रॉबरी हुई है, डकैती हुई है तो जो है ना डकैत कहाँ से, हुलिया जात क्या थे, वो बेहतर बता सकता है। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो है फीस, अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि जो आप प्रोवाइड करते हैं, शवाहिद प्रोवाइड करते हैं, इसकी कोई फीस वगैरह भी है? नहीं, बिल्कुल इसकी कोई फीस नहीं, इसके तमाम एक्सपेंसेस सेफ सिटी खुद बेयर करता है। सही। और कंप्लेनेंट को जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वीडियो दिखाई भी जाती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को डिलीवर की जाती है, इसकी कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं। अच्छा, टाइमिंग्स क्या है, मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हैं या हफ्ते में 7 दिन आपके पास कंप्लेंट आ सकता है और क्या टाइम उसका है? इसका है ना ये 2 शिफ्ट में काम करते हैं, 9 से 5 और दूसरी शिफ्ट जो होती है वो जो है ना 2 से जो है ना 10 बजे तक। यानी कि आप शहरी सुबह 9 से रात 10 बजे तक विजिट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। संडे को भी ये हफ्ते के 7 दिन जो है ना ओपन होते हैं और किसी भी टाइम जो है ना, क्योंकि क्राइम की तो छुट्टी नहीं होती, बिल्कुल तो इसी तरह जो है ना ये 24/7 जो है ना ये ओपन ही होता है। अच्छा, जैसे आप तरीका आपने बताया कि अगर आपको देखना है तो पहले आपकी FIR होना जरूरी है, रिक्वायरमेंट उसकी है। बिल्कुल FIR होना जरूरी है इसमें, कोई कंप्लेंट लाजमी होनी चाहिए, फर्स्ट रिपोर्ट जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए और इसके बाद, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, इसमें हम प्राइवेट पर्सन को नहीं दिखाते। सही। प्राइवेट पर्सन तब उस वक्त आएगा जब उसके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा और उसके पास जो है ना FIR हो या कोई ऐसी कंप्लेन हो या पुलिस केस लाजमी होना चाहिए। यानी कि एक आम शहरी के साथ अगर कोई वकुआ हुआ है उसको आप अकेले नहीं दिखा सकते, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होना जरूरी है, और सेकंडली दूसरी ऑप्शन है कि FIR का होना लाजमी। बिल्कुल, पहले वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अप्रोच करेगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही ईटैग विजिट करें। ठीक है, उसको फिर क्या आपको CD के फॉर्म में आप उनको प्रोवाइड करते हैं, जब दिखा दिया वो बता दिया कि जी वाकई ये मेरा इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट को आपने रिकॉर्ड
किया, फिर वो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले करते हैं थ्रू सीडी फॉर्म? जी बिल्कुल, हम जब कोई वीडियो जो फाउंड हो जाती है तो हम उसको ना एक डीवीडी में जो है ना वो हम राइट करके देते हैं, और उसके पीछे हम सेफ सिटी का वाटरमार्क भी जो है ना हम लगाते हैं। ये जो है ना सेफ सिटी ने ही इसको जो है डिलीवर किया। अच्छा सर, अब तक आपका ये सेल जो है वो कितने शवाहिद जो है वो अब तक जो है ना वीडियो एविडेंस में जो हम 14,000 से ज्यादा जो है ना एविडेंस जो है ना कोर्ट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो है ना डिलीवर कर चुके हैं, और इस पे काफी से जो है ना केस जो है ना सॉल्व भी हो। सही, जैसे अभी आपने कोर्ट का जिक्र किया तो मुझे बताएं कि जो यहाँ से एविडेंस ले गए, वो शवाहिद ले गए, उसकी कोर्ट की नजर में क्या वैल्यू है? जी ये एक एडमिसिबल एविडेंस है, और इसकी जो है ना लीगल प्रोविजन जो है ना वाज़े तौर पर कानून शहादत आर्डर 1984 में आर्टिकल 164 में दी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस डेटा जो भी ना एडमिसिबल एविडेंस है कोर्ट की नजर में, और ये लीगली प्रोटेक्टेड है। और जो इसमें क्लियर बात मैं आपको ये वाजे कर दूं कि इस डेटा जो सेफ सिटी से जाता है और ये इसकी फॉरेंसिक कराने की जरूरत नहीं होती, अगर कोर्ट चाहे तो करा सकती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है। अदरवाइज ये एक एडमिसिबल एविडेंस है, इसको फॉरेंसिक कराने की जरूरत नहीं। जो दूसरे लोकल कैमरा से वीडियो या फुटेज जाते हैं कोर्ट डेफिनेटली उनको जो उनकी फॉरेंसिक करवाती है, क्योंकि आपको पता है आजकल डिजिटल का दौर है तो फेक वीडियोस जो है ना इमेजेस में बन जाती है, लेकिन हमारे जो डिलीवर्ड वीडियोस हैं इनकी फॉरेंसिक नहीं होती। सही, ठीक है। अच्छा आखिर में मुझे ये बताइएगा कि 15 की अगर कोई कॉल आ जाती है तो क्या वो भी उसका रिकॉर्ड भी आपका सेंटर देता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, 15 का रिकॉर्ड जो है ना ईटैक डिपार्टमेंट से जाता है, और अब तक हम लाहौर समेत ऑल ओवर पंजाब 8,000 से ज्यादा जो है ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और ज्यादा से ज्यादा कोर्ट को हम जो है ना ये डेटा 15 का दे चुके हैं। उसका तरीकाकार भी यही है? उसका तरीकाकार ये है कि जो ये भी ऐसे कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है ना वो रिकॉर्ड मांगेगा, वो हमें रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, वो रिक्वेस्ट फॉर्म करेगा, वो हम फिल करेगा, उसके बाद उसको जो है ना लॉ ऑफिसर जो है ना उसको वेरीफाई करेंगे और उसके 15 का रिकॉर्ड जो है ना वो हार्ड फॉर्म की शक्ल में उसको देंगे और कोर्ट को भी उसमें प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेट पर्सन को नहीं देंगे। जैसे कि सर ने अपनी मसरूफ में से टाइम निकाला और आपको बताया कि किस तरह से आप एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं, आपको मतलब हमारे रिकॉर्ड जो है वो दिया जाएगा, और कोर्ट में उसकी कोर्ट की नज़र में इसकी क्या वैल्यू है। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद चलेंगे बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, आपने रहने हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी, और अब जी बड़े ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट का टाइम हो जाता है, हमारा आखिरी सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और अजीब खबरें, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपसे शेयर करते हैं, और हमें खुद भी बड़ा मज़ा आता है सेगमेंट को डिस्कस करके, हमें खुद भी पता चलता है आप इस शो की वजह से हम खुद भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं दुनिया में क्या क्या अजीब चीज़ें हैं। आजल से पूछ रहे हैं कि आजल कौन सी आज डिफरेंट सी न्यूज़ आपके लिए निकाल के लाए हैं, क्या आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, आजल क्या शेयर करेंगे? बिल्कुल तहरा, पीटरा, मेरे ख्याल से पीटरा आपको पता था पहले कि पीटरा क्या है? पीटर मेरी बिल्ली का नाम है, मुझे ये पता था, लेकिन पीटरा क्या है? ये पीटर है, नॉट पीटर, ये पीटर है। ओके, तो पीटरा क्या है आजल? ये दुनिया का जी नायाब खजाना है। वैसे पीटरा लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी चट्टान के हैं। ताहिरा, अच्छा। जुनूबी लुबनान है जी, उर्दन में पीटरा इस शहर को कहते हैं जिसको चट्टान को तराश कर बनाया गया, यानी इसका मकसद इसका ये है कि पूरा का पूरा शहर जो है ना ये गुलाबी कलर के जो है ना पत्थर से अच्छा। जो तराश करके जो है बनाया गया। ताहिरा ये जो है 312 कबल अज़ मसीह में जो है इस लोगों ने इसको बनाया, इसमें इमारतें तामीर की, जो इसको रोज सिटी भी कहते हैं पीटरा को, पिंक कलर के चट्टानों की वजह। बिल्कुल, इसको रोज सिटी भी कहते हैं। अगर हम आम अल्फाज में ये कहें कि ऐसा शहर जिसको पत्थरों से तराश कर बनाया गया, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तो ये बड़ा फिर दिलचस्प और एक ऐसी चीज होगी जिसको स्याह भी देखने। इसकी तमाम इबादत गाहें, मकबरे, थिएटर, वो तमाम के तमाम एक ही कलर के जो पत्थर हैं उनसे तराश करके बने हुए हैं। अच्छा। और तहरा आपको पता है कि 1812 में इसको दरियाफ्त किया गया, इससे पहले नहीं दरियाफ्त हुआ था ये। अच्छा। बना 312 में था, 312 में, लेकिन इतनी देर बाद 1812 में एक हमारे जी हैं स्विस मायरे माहिर सारे कदीमा, अच्छा। उन्होंने इसको दरियाफ्त किया, और अब तो ये जो है लुबनान का उर्दन का जो सबसे बड़ा स्याही मरकज बन चुका है, और ये बाकी दुनिया का बड़ा दुनिया आके विजिट करती है इसको, कि वहाँ इतने अरसे पहले 312 आज बताया आपने, बिल्कुल 312 इतना मतलब टाइम पहले वहाँ के लोगों ने कितनी मेहनत से इसको तराश के पत्थरों को ये पूरा शहर बनाया होगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको जाके जरूर सर्च कीजिएगा और देखिएगा आपको पीटरा कैसा लगा, मेरी बिल्ली ने ये शहर आपको कैसा लगा। अच्छा जी, अगली मेरे पास भी एक इसी तरह से एक मुनफरिद दुनिया का अजूबा ही मैं आपसे डिस्कस करूंगी,
रोमन कोलोजियम. रोमन कोलोजियम बेसिकली एक उखाड़ा, समझते हैं आप उखाड़ा, जहाँ पे वो जहाँ पे पहलवान वगैरह जो लड़ाई करते वो कुश्ती वगैरह बिल्कुल बिल्कुल सही. बिल्कुल 80 बाद अज मसीह यानी 80 बाद अज मसीह में रोमन बादशाह टाइट्स ने इसको तामीर करवाया था. और वो रोमन बादशाह बड़ा पसंद करते थे अपने गुलामों को लड़वाना, अच्छा लड़ाई करना. और आज ये इसका जो इतना बड़ी ये जगह है और आज भी लोग सयाह इसको देखने जाते हैं, गो के बाद जंगें भी हुई और उसका कुछ स्ट्रक्चर तबाह भी हो गया, लेकिन ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जगह है और सयाह इसको विजिट करते हैं. बहुत सी मूवीज भी यहाँ बनी. यहाँ पे इसकी जो जमीन है, बेस है, यानी गोलाई शेप में, बेजवी शेप में ये बना हुआ बना, अच्छा अच्छा बेजवी शेप में ठीक हो गया. और इसका जो सेंटर में यानी जहाँ पे उखाड़े में लड़ाई होती थी, लड़ाई की जाती थी, रेत वहाँ बिछाई गई थी ताकि जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो जो ब्लड गिरता है वो रेत के ऊपर जज्ब हो जाए. सही. तो बड़ा ही एक इतने अरसे पहले जब कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह से, इस तरह की लड़ाई झगड़े का. अब तो आप देखते हैं कि अक्सर ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं, पहलवान भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, उखाड़े भी होते हैं, लेकिन इतने अरसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लेके आना, बेसिकली उखाड़े का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आता है. बिल्कुल लड़ाई झगड़े का. और 50,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी आज यहाँ पे. सही. इतना बड़ा है, इतना बड़ी जगह है. और स्टेप बाय स्टेप थी कि आला हुकाम ने कहाँ बैठ के देखना है इसको, और सबऑर्डिनेट्स ने कहाँ देखना है, आम शहरियों ने कहाँ बैठ के इस लड़ाई को देखना है. तो तब के बादशाह मैं सोचती हूँ बड़े खूनखार होते थे. बिल्कुल ऐसा ही है उनकी मिजाज भी पाया जाता है ये आंसर. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल. तो एक मशहूर फिल्म भी यहाँ पे इस जगह पे बनाई गई और उसको शूट किया गया. इसको जाके आप देखिएगा, बड़ी ही दुनिया का एक मुनफरिद सा ये भी अजूबा है. तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको कुछ बड़ी अच्छी मालूम मिली होंगी हमारे सेंटर के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेल है बेसिकली, वो कैसे काम करता है. फिर हमारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुन के भी आपको मज़ा आया होगा. आप हमने आप अपना फीडबैक देना आप हमें नहीं भूलना. आप क्या देखना चाहते हैं हमें बताइएगा. और आपने फीडबैक कहाँ देना है जी हमें, ट्विटर का हमारा अकाउंट है PSEA सेफ सिटीज़, और हमारा फेसबुक का अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज़. फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या देखना चाहते हैं हमें बताएं. और मुझे आजिल को इजाज़त दीजिए, कल किसी नए प्रोग्राम के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह ने के बाद.